हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल मोड। और ये सर्वाइवल मोड है यानी कि मैं पहली बार ये मोड खेलने वाला हूँ, क्योंकि मैं हमेशा क्रिएटिव मोड यानी कि वो क्रिएटिव होता है ना, जिसमें हमें अनलिमिटेड ब्लॉक्स होते हैं और हमें जो चाहिए वो मिल जाता है, वही मोड। तो मैं वही ज़्यादातर खेलता था, क्योंकि मैं ज़्यादातर बिल्डिंग्स बनाता था। यानी कि यहाँ पे सर्वाइवल में हमें सर्वाइव करना पड़ता है और वो ज़ोंबी को मारना पड़ता है, तो मैं ऐसा नहीं करता था। मैं सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए ये गेम खेलता था। लेकिन अभी यूट्यूब स्टार्ट किया है तो सर्वाइवल मोड भी स्टार्ट करना ही पड़ेगा यार, नहीं तो व्यूज नहीं छाप पाऊंगा। तो भाई लास्ट दो वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा ही प्यार दिखा दिया। एक में 900 एंड समथिंग व्यूज है और एक में 782 व्यूज समथिंग है, वो जो कि मिथबस्टर्स था। एक मिथबस्टर्स था और दूसरा वो क्या था, वो था ना, हाँ सर्वाइवल सीरीज ही था, उसका शॉर्ट्स मैंने पहले डाला था। ये अभी लॉन्ग वीडियो है, तो भाई तुम लोग शॉर्ट्स पे ही ये प्यार दिखाते हो, अपने लॉन्ग वीडियोस पे भी थोड़ा प्यार दिखाओ यार। तो चलिए इस पर हम लाइक कहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लाइक, क्योंकि मेरे को पता है ये भी कंप्लीट होने के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं कंप्लीट होता है कि नहीं। तो पहले हमने बहुत सारे लकड़ियाँ काट ली और हमने क्राफ्टिंग टेबल से हमारे मेन टूल्स बना लिए, जैसे कि पिकैक्स, एक्स, स्वॉर्ड और वैसे चीज़ होते हैं ना। तो चलिए अभी खाना ढूंढ लेते हैं। बकरी जल की रानी है, बकरी को हमने मार दिया है। अरे भाई क्या ही सॉन्ग है, क्या ही राइमिंग वर्ड था। लेकिन बकरी जल की रानी नहीं होती, मछली जल की रानी होती है। अभी कमेंट में शुरू मत हो जाना कि बकरी जल की रानी नहीं है, ठीक है, मैंने मजाक किया था। तो चलिए इसे भी मार दिया। चलिए बेड बना सकते हैं, देखते हैं। क्राफ्टिंग टेबल उठा लिया। बेड बनाने के लिए क्या कमी है? अच्छा एक, तो भाई हमारा बेड बनाने के लिए अभी बहुत कम सामान है, बहुत कम भी नहीं है। एक शिप को मारने से हमारा बेड बन सकता है। तो चलिए एक को मार दिया। अभी बनाते हैं हमारा बेड। बेड यानी कि जिसपे बिस्तर, जिसपे हम सो सकते हैं। ये तो सभी लोगों को पता है, मैं क्या बता रहा हूँ यार। तो चलिए पहले इसे ख़त्म कर देते हैं, यानी कि क्राफ्टिंग टेबल को उठा लेते हैं। और ये ऐसे क्या घूर के देख रहा था, इसे भी मैंने मार दिया। अभी चलिए भाई, अभी एक क्वैक नहीं, चिकन है। तो चलिए रात हो गई, अभी सो लेते हैं। अगली सुबह हो गई यानी कि दूसरा दिन। तो भाई मैं 100 डे का सीरीज ला सकता नहीं। अभी इस पिक को मारते हैं पहले। चलिए इसे मार दे, क्योंकि हमें खाना बहुत ज़रूरी है। और एक शीप और आ गया। अबे भाई इनको कितना भी मार लो, इनको समझ ही नहीं आता मेरे पास ही रहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि मेरे को भी नहीं पता। तो चलिए पहले क्राफ्टिंग टेबल ले लेते हैं और हमारा वो सामान बना लेते हैं, यानी कि पिकैक्स और एक्स, क्योंकि उन दोनों के चक्कर में मेरा वो दोनों मेन हथियार टूट गए थे, क्योंकि उसमें लाइफ होता है ना। तो भाई केव मिल गया, मैंने सुना है कि उसमें बहुत सारा कोड रहता है। तो मैंने थोड़ा सा सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस बढ़ा दिया है, ताकि आपको भी दिखे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो चलिए भाई, नहीं तो आपको एक डार्कनेस जैसा दिखेगा, आप सभी को पता ही है। इसलिए आपको ऐसा अच्छा लाइट वाला दिख रहा है, लाइट जैसे, आप समझ ही पा रहे होंगे। तो चलिए पहले ये सब को ले लेते हैं। तो मेरे को लगता है ये सिर्फ स्टोन से आता है ना, ये आयरन है कि आयरन और, मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं सर्वाइवल नहीं खेलता, मैं सिर्फ वीडियोज़ देखता हूँ सर्वाइवल की। तो चलिए भाई, अभी मैं उतना भी वीडियोस नहीं देखता, लेकिन पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं यूट्यूब खोल के तक नहीं देखता। सिर्फ मैं मेरे वीडियो एडिट करता हूँ और अपलोड कर देता हूँ और रिकॉर्ड भी करता हूँ, सिर्फ उतना ही करता हूँ अभी बहुत दिनों से। चलिए पहले ये कोल सब इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि इससे हम बना पाएंगे सैंड। और अबे भाई ज़ोंबी क्रीपर, बे भाई अभी मरते मरते बचा एक हेल्थ में। तो चलिए भाई थोड़ा सा ये पिक का ये क्या मीट होता है ना वो खा लेते हैं, क्या पोर्क बोलते हैं ना उसे, पोर्क खा लेते हैं पहले। खा लिए भाई, अभी चलिए थोड़ा सा ये कर लेते हैं, यानी कि हमारा माइनिंग माइनक्राफ्ट में सबसे मेन है, उससे ही हमें डायमंड्स वायमंड सब मिलते हैं। यही मैंने सारे यूट्यूबरों से सीखा है, क्योंकि मैं उनके वीडियोस देखता हूँ। तो अभी मैं नहीं देखता बहुत दिनों से, मैंने बताया आपको। तो चलिए भाई अभी ऊपर जाने के लिए कुछ जुगाड़ करते हैं। पहले ये कौन सा ब्लॉक था पता नहीं चला। तो चलिए अभी स्टोन के हथियार बना लेते हैं, क्योंकि स्टोन के हथियार वुड के हथियार से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और उनका पावर भी बहुत ज़्यादा रहता है। अगर 10 बार मारने से एक शीप मरता है वुड के एक्स से, तो इसके एक्स से नहीं, पिकैक्स से, यानी भाई क्या बोल रहा हूँ, स्वॉर्ड से, तो इसके 2-4 हिट में ही वो मर जाएगा। मेरे को ऐसे ही लगता है, ऐसे ही होता है ना, कमेंट में बताइएगा। तो चलिए पहले थोड़ा सा ये चारकोल बना लेते हैं और उसे हमें बनाना है टॉर्च, क्योंकि टॉर्च रात में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो आपको कुछ दिखेगा नहीं अगर मैं टॉर्च नहीं पकड़ूंगा तो। तो चलिए भाई पहले ये टॉर्च वॉर्च का सब सामान इकट्ठा कर लेते हैं, फिर बनाएंगे बहुत सारा टॉर्च। तो लेफ्ट हैंड में पकड़ लिया, ताकि सभी लोगों को अच्छे से दिखे कि अगर रात हो गई तो आपको सीनरी बहुत अच्छे से दिखेगी, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को तो दिखेगी ही, लेकिन आपको नहीं दिखेगी इसलिए। चलिए फर्नेस पे थोड़ा ये चिकन को कुक कर लेते हैं।
ये कुक चिकन और हमारा कुक पोर्क और कुक मीट होता है ना वो गोट का, ये गोट का नहीं भाई गोट का, गोट यानी कि GOAT, वो ही मैं बोल रहा था लेकिन गोट का हो गया यार, गोट का मैंने, अभी क्या हो रहा है आज पता नहीं, जुबान फिसल जा रही है, कोई बात नहीं, तो चलिए उसका आप समझो समझोगे ना। अरे भाई क्या हो रहा है, सॉरी भाई थोड़ा सा ये कर लो। तो भाई चलिए पहले सो जाते, अभी तीसरा दिन हो गई, तो तीसरा दिन का सुबह हो गया और ये ज़ॉम्बी भाई हमारे पास तड़पता आ रहा है क्योंकि उसे मरने की बहुत ही क्या है वो मेरे को वर्ड नहीं आ रहा, पता नहीं आप पता है तो, अबे ये कितने बार मैं कमेंट करने के लिए बोलूँगा, कोई बात नहीं। चलिए पहले ये गोट्स को मार लेते हैं और ये हमारे बहुत सारा ये इकट्ठा कर लेते हैं, सैंड और वो सब होता है ना, क्योंकि उससे हम बना सकते हैं ग्लास जो कि हमारे घर बनाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी, तो हम बहुत ही आसानी से फिर घर बना पाएंगे। चलिए पहले सारे सैंड इकट्ठे कर लेते हैं। तो मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है ताकि आप भी बोर ना हो और हमारा वीडियो भी इतना बड़ा ना बने, नहीं तो भाई इतना सारा नेट मेरे पास नहीं है कि मैं इतना बड़ा वीडियो अपलोड कर पाऊँ और आप भी बोर हो जाओगे, आप भी नहीं देखोगे, आप भी ये क्या ये एडिटिंग वेडिटिंग नहीं आती, ये स्किप विप नहीं करता। तो चलिए पहले ये इसे हम ऊपर जा सकते हैं, हाँ ये अगर मैं 4 या 5 वाला फ्लोर का ये घर बनाऊंगा तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए भाई क्रीपर, अरे यार मर गया, सिर्फ 3 हेल्थ ही बचा था और उससे भी मर। अबे भाई बहुत देर ढूंढने के बाद, एक घंटे से भी ज़्यादा ढूंढने के बाद मेरे को मिल गया हमारा विलेज, अभी लूटते हैं, एमरल्ड मिल गया भाई, मज़ा ही आ जाएगा, एमरल्ड मिल गया और ये क्या चीज़ है मेरे को पता नहीं है। तो हे बेल बहुत सारे मिल गए, इससे हम वीट बना सकते हैं ना, हाँ इससे हम वीट बना सकते हैं और उससे काऊ या उससे उन्हें उन सबको अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही मेरे को लगता है, उससे हम एनिमल फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में करेंगे हमारे एनिमल फार्मिंग और क्या कंटेंट होता है ना वही। तो चलिए पहले ये सारे ट्रीज को काट लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए बहुत सारा वुड और वुड मिलने से हमें बहुत सारे सामान बना पाएंगे, अभी हमारे पास सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं, उतना ज़्यादा प्रो वाला चीज़ें नहीं है, उसके लिए तो 40-50 दिन तो चलेंगे इस गेम में, तभी जाकर हम हमारे पास बहुत सारे सामान इकट्ठे होंगे, अभी तो हमें हमारा भी विलेज बनाना है और बहुत सारे काम करने हैं। तो चलिए भाई, अबे भाई 2 ही हेल्थ बचे हैं, भाई भाई क्या करूँ, घर में जाके छुप जाता हूँ। और यहाँ पे सुबह हो गई लेकिन क्रीपर की आवाज़ आ रही है और मैंने उसे देखा भी, वहाँ पर ग्लास तोड़ने से मेरे हाथ में नहीं आती है, मेरे को पता थी लेकिन मैंने फिर भी तोड़ा क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है, मेरे को लगता है उसके पास बहुत ही अच्छा घर है वो विलेजर के पास। तो चलिए मैंने विलेज पूरा लूट लिया और पूरा लूट लेने के बाद मैं अभी बनाऊंगा हमारा बेसिक सा टूल क्योंकि हम मर गए थे और हमारा चेक पॉइंट भी नहीं था उस दिन का, तो सारा चीज़ गया, डूब गया यानी कि पूरा गया, इसलिए हमें पहले से ये बनाना होगा। अरे यार हमारे पास स्टोन का हथियार आ गया था, लेकिन भी भाई एक अच्छी खबर है कि हमें विलेज मिल गया, तो विलेज मिल गया तो अभी हमारा आधा गेम हाथ में आ गया, अभी हम इनसे रिसोर्सेस इकट्ठे कर पाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, इतना सारा गया तो लेकिन एक तो अच्छा काम हुआ ना, तो इससे खुश रहिए, तो मैं ही खुश रहना हूँ, आपको क्यों खुश रहना है क्योंकि ये तो मेरा वर्ल्ड है। तो चलिए पहले ये फार्म का क्या कैरेट वैरेट होता है ना सब इकट्ठा कर लेते हैं। तो भाई चलिए अभी घर में चलते हैं, कैरेट वैरेट इकट्ठा कर लिया, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगला पार्ट एनिमल फार्मिंग का आने वाला है तो ज़रूरी देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब करना भूलना मत।